हेलो फ्रेंड्स, इस सीरियस यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है, ढेर सारा प्यार है। वीडियो चालू करने से पहले हम लोग चलते हैं वीडियो की ट्रेलर की ओर। हमारे सब्जेक्ट के ओर, तो आज का सब्जेक्ट है फेसबुक के बारे में। अगर आप नए कस्टमर हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बाद में साइन इन करके उस अकाउंट को एडिट करके यूज कर सकते हो। अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो आपको बहुत अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोमा के ओर। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोमा ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोमा ओपन करने के बाद आपको उधर, मतलब नए हैं तो इधर आपको सर्च मारना है फेसबुक करके, फेसबुक करके सर्च मारना है, जो फर्स्ट नाम ही आएगा तो उसको इंटर मार के सर्च करना है। फेसबुक एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जिधर आप मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हो, उसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा आपके लिए वे है, मतलब ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन वेबसाइट है। इधर आप एक एक गर्लफ्रेंड तो मिलवा ही सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए है। तो इधर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फेसबुक का पूरा वेबसाइट है, ये यूनाइटेड स्टेट का वेबसाइट है और इसका मतलब मालक है वो मार्क जुगेबर्ग है, फाउंडर मतलब सीईओ जो है, जो मालक है वो मार्क जुगेबर्ग है इस वेबसाइट का, और वो करोड़ों कमा लेता है। तो ये सब बातें हमें नहीं देखने, हमें अपने यूज के लिए जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है फेसबुक लॉगिन एंड साइन अप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसी पेज ओपन हो जाएगी। मैं पहले से लॉगिन किया था तो वो पेज ओपन हो गया, तो मैं सबसे इसको साइन आउट करके फिर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे साइन आउट ये करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद आपको एक ऐसी रजिस्टर की पेज आएगी, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप लॉगिन करोगे, मतलब ऐसे सर्च मारोगे फेसबुक करके और इंटर मारोगे तो ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली। इधर आप फर्स्ट वाली जो वेबसाइट ओपन करोगे तो ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर आपका फर्स्ट वाला जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो लॉगिन का रहता है, मतलब आप पहले से रजिस्टर है तो उसको लॉगिन, इधर आपने जो फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस डाला वो डाल के इधर पासवर्ड डाल के इधर लॉगिन कर सकते हो। इधर अगर आप नए कस्टमर है तो इधर फर्स्ट कैरेट नेम अकाउंट में क्लिक करना है, इधर फर्स्ट नेम क्लिक करना है, सर नेम डालना है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों में से एक डालना है, और इधर जो आपका मनपसंद पासवर्ड रहेगा वो डालना है, और इधर नीचे बर्थ डेट डालनी है, इधर फेल मेमेल डाल के कैरेट अकाउंट करना है। मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं इधर पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद हमें करना है लॉगिन, लॉगिन करना है मतलब फेसबुक के वेबसाइट के अंदर जाना है लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद जो मैं पहले वाला पेज खुला था होम पेज, वैसे पेज ओपन हो जाएगा। इधर से आप मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो महेश करके है, ये प्रोफाइल करके भी हो सकता है, प्रोफाइल रहता है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको इधर मतलब प्रोफाइल में आपको जो नॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो देना है। इधर आपको इधर प्रोफाइल कवर फोटो रखना है या अपना खुद का फोटो रखना है, इधर ये ऑप्शन है ऐड कवर फोटो, इसमें अपना बैकग्राउंड कवर फोटो रख सकते हैं। इधर ऐड फोटो, इधर तुम्हारा जो भी 10 फोटो में से जो आपको बेस्ट फोटो रहता है वो रखनी है, जिसको ज़्यादा लाइक मिले और फ्रेंड्स लोग अच्छे से उसको लाइक देके पसंद करें, ऐसी फ़ोटो रखनी है।
और इधर आपकी पूरी नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, वो एडिट करके उसको आप किधर जॉब करते हैं, किधर स्कूल में थे, किधर गांव है, किधर आप करंट जॉब करते हो, किधर रहते हो, किधर पढ़ाई की, ये सब बातें इधर देनी पड़ती है, वो दे सकते हो। अबाउट में वही इन्फॉर्मेशन रहती है। और फ्रेंड्स में आप बहुत सारे फ्रेंड्स, जितने सारे हैं वो फ्रेंड्स रहेंगे और इधर फोटोज रहेंगे। तो ये हुआ आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। और होम पेज में जो पहले वाला विंडोज खुली थी वही विंडोज रहती, ये वाली इधर पूरी न्यूज फीड की रहती। इधर किसने पोस्ट डाली, किसने मैसेज डाला, किसने फोटोज डाले, वो सब रहते हैं। और साइट में इधर नॉर्मल स्टोरीज, यूअर पेज, जो भी पेज रहेंगी वो रहेगी। और राइट कॉर्नर में चार्ट, मतलब जो भी ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन फेसबुक पे रहेंगे, उनके साथ चैटिंग कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हैं उनके साथ। तो ये सब आपको बहुत सारा अच्छा अपॉर्चुनिटी इधर मिलता है। और अगर आपका कोई मतलब बिजनेस है या कोई धंधा है तो इधर आप पेज बना के उस पर प्रमोट कर सकते हो, या ग्रुप, कोई पार्टी है या कोई जात है या कोई धर्म का है तो ग्रुप बना के उसमें मेंबरशिप करा के वो लोग, उनको आप उसमें शामिल करके वो चीज़ को शेयर करके उधर ये कर सकते हो। और बहुत सारे इधर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट का, इधर क्लिक करके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या किसी फ्रेंड्स को ढूंढना चाहते हो तो इधर सर्च इंजिन दिया है, इसमें आप किसी का भी नाम ऐसे टाइप करके उसको सर्च करके उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते, भेज के उसको फ्रेंड बना सकते हो और उसके साथ मस्ती चैट कर सकते हो। और इधर नोटिफिकेशन का है, ये नोटिफिकेशन में आप कि किसने मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, किसी ने क्या किया है, ये सब इधर नोटिफिकेशन में दिखाए। और इधर मैसेज का है, आप मतलब ये ऑनलाइन इधर देख रहे, इसके साथ आप किसी के साथ क्लिक करके चैट कर सकते हो, तो वो चैटिंग किए हुए इधर मैसेज में दिखाए गए। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारा अच्छा मतलब इधर आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा इधर अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये आप यूज कर सकते हो। और इधर आपको कंटाला आता है तो इधर से गेम भी खेल सकते हो, या फोटो देख सकते हो, या वीडियोज भी देख सकते हो, बहुत सारा इधर मतलब आपको वे दिया गया है, इधर से यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे वेबसाइट के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। तब उससे पहले हम चलते हैं हमारे ट्रेलर।